थकावट भी हो चुकी होगी, लाइट सी बात है। आज जो है उठ रहे हैं, जब लखनऊ से चली सुबह 8:30 बजे हम वहां से चार दोनों चार गाँव में थे, हैदराबाद से हम लोग आए और सीधे वहां पर पहुंचे। मगर मुझे सफरनामा नहीं बयान करना है, मगर शाहजहांपुर से ट्रेन ने मुरादाबाद का रास्ता पता पूछना शुरू किया। स्टेशन की पटरियों पर वो लोग बताते थे और फिर कहीं चली जाती थी, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि हम लोग होना सुबह और ट्रेन सोती हुई आई। पता नहीं क्या हो गया है भाई, जिनसे ट्रेन ना चले उनसे मुल्क क्या चलेगा। पहला तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपनी खिलाफ, हालांकि मुझे भाई यहाँ मौजूद है, यही मेरी उंगलियाँ पकड़ के लोगों ने मयूं चलना शुरू। अभी आप बाधा पकड़ जाते हैं, अरे जो लोग उठाने वाले ना हो, मगर सिरसी की मोहब्बतों को सलाम करते हुए बस यकीन जानिए, तलावत हो चुकी, खिताबत हो चुकी, नात हो चुकी, मनकबत भी हो चुकी, दरमियान में हम लोग आए हैं। चूंकि गदीर ने इसीलिए 3 दिन तक रसूल ने रोका था कि जो लोग रह चुके हैं उनको जिसके एक तरफ मुरादाबाद है एक तरफ संबल है, यानी बीच में महवर है वो सिरसी है। मदीर के मैदान में जहाँ अलग अलग किस्म की बस्तियां थी, वहीं पे जो धूप में चांदनी का खैमा लगा हुआ था उसमें सिरसी वाले बैठे हुए थे, है ना। तो वहां सब लोग थे, वहां बिल्कुल बैलेंस के साथ सुकून के साथ जो लोग बैठते हैं। इसीलिए देखिए, मैं बॉम्बे में परसों महफिल हो रही थी, ये लोग गवाह हैं और अख्तर भाई भी वहां थे। रात भर ऐसी बारिश हुई तो मैंने कहा कि साहब ये बारिश नहीं हो रही है, बल्कि बंबई वालों को आजकल बड़ी जल्दी होती है, तो अल्लाह ने बादल के टुकड़े भेज के गोया कजावे रखवा लिए और उसके बाद में उठना शुरू हुआ तो ए मजमा जैसे उठना चाह रहा था फिर बारिश आ गई। मैंने कहा आपके ये पानी पत्थर में बदल जाएगा, इसलिए कोई नहीं गया। और आप यहाँ देखिए, सिरसी में सुबह से उमस भी थी, बारिश भी हो रही थी, मगर जैसे जश्न शुरू हुआ मतलब बिल्कुल साफ हो गया। भैया इजाजत है मैं सिलसिला शुरू करूँ। मैं देखिए, मैं जो आज करने जा रहा हूँ, कसम खुदा की हम सिवाय कुरान के किसी किताब को नहीं मानते, सिवाय मोहम्मद मुस्तफा के किसी हस्ती को नहीं मानते, मगर हर उस किताब को मानते हैं जो कुरान के मुताबिक हो, हर उस हस्ती को मानते हैं जो मोहम्मद की वफादार हो। खुलासा ये निकला कि हम सिर्फ कुरान की मानते हैं, सिर्फ मोहम्मद की मानते हैं। हम अली को मौला अली के कहने से नहीं मानते, अली को मौला अली के कहने से नहीं मानते, मोहम्मद मुस्तफा के कहने से मानते हैं। बदीर कहते हैं। अच्छा अब आइए, वो गजाओं का मिंबर पसंद खुदा की आप ये देखिए, रसूल ने पालान मंगवाए, तुम भी पालान रखो, तुम भी पालान रखो, तुम भी पालान रखो, और उसके बाद में सबसे मुबारकबाद दिलाने के बाद क्या, अपना पालान ले जाओ, अपना पालान ले जाओ, अपना पालान ले जाओ। क्यों? इसलिए कि वो मेंबर बचे ही ना जिस पे दोबारा कोई आ सके। दोबारा कोई आ ही नहीं सकता। अब ये इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मियां तुम भूल रहे हो सिरसी को, इसलिए आ जाना चाहिए। मैंने कहा कैसे भूलेंगे, रसूल ने पालान इसीलिए रखवाए थे कि ये भुलक्कड़ अरब का बद्दू सब कुछ भूल जाएगा, मगर जब जब ऊंट देखेगा पालान लगाएगा, पालान देखेगा हदीर का ऐलान याद आएगा। अब वहीं पे कुछ नुसैर भी मौजूद, डॉक्टर नसीमुल सफर ने 1400 साल जिसने गदीर में सिर्फ एक मतलब पढ़ा था, कुछ हालात को ऐसे हो गए थे, 18 मरतबा पढ़वाया था। वो मतलब क्या था, जश्न मिलाए नुक्ते बा है गदीर में, कुरान पूरे कद से खड़ा है गदीर। कल देखा कसम खुदा की अख्तर भाई मोहम्मद अली भाई वफा ने वहां एक शेर ऐसा पढ़ा
कि 18 मरतबा कम से कम पढ़वाया होगा। मैं चाह रहा हूँ गरम गरम शेर है, ताजा ताजा भाप देता हुआ, हाथ देता हुआ, वो आपकी खिदमत में पेश कर दूं। सिर्फी वालों का तोहफा कि अब तक भी उनके होश ठिकाने नहीं लगे। कल सुना था और आज पढ़ रहा हूँ, मैं बॉम्बे का जिक्र कर रहा था कि कैसा जश्न हुआ, और ये सिरसी का जश्न देखिए। यहाँ ना पालान लेने की जरूरत, ना कजावे रखवानों की जरूरत, ना गाड़ियों की चाबियां लेने की जरूरत, ना मौसम को खराब होने की जरूरत, ना मूड खराब होने की जरूरत। ये सिरसी है, इसकी तहजीब समाप्त है, इसकी तहजीब शायरी है, यहाँ तहजीब सुखन है, यहाँ के दरों दीवार और ईंटों में तहजीब कलाम लिखी हुई है। चांद भाई आपकी मोहब्बतों की कसम मैं उसे कहने जा रहा हूँ, और ये क्यों? इसलिए कि आबिद हुसैन साहब की सदारत है। मैं अभी बात वहां तक आने डाल दीजिए, पहले वजीर की तो बातें हो जाए। शेर सुन लीजिए, अब तक भी शेर पेश कर रहा हूँ अख्तर भाई आपके मिजाज का शेर, सिरसी वालों के मिजाज का शेर। अब तक भी उनके होश ठिकाने नहीं लगे, पीली नुसैरियों ने ज्यादा गदीर में। अब तक भी उनके होश ठिकाने नहीं लगे, पीली नुसैरियों ने ज्यादा गदीर में। पीली नुसैरियों ने ज्यादा गदीर में, ये जिसने गदीर है इंशाल्लाह आप समाप्त करेंगे। और फैजान साहब ने तो कयामत कर दी, खुदा की फैजान साहब ने जो शेर पेश किए हैं और जिस अंदाज में पेश किए हैं, ये रोटी की सरजमीन, ये मंगलौर की सरजमीन, और आपने जो जिस मियार के शेर पेश किए हैं कसम खुदा की, क्या कहने साहब वो लहजा एक है और खतीब रुके लहजा एक है, दोनों वाला में खतीब रुके लहजा एक है, बहुत अच्छा मिश्रा। मुझे कुछ पुराने शेर अख्तर सिरसी के याद आए। अच्छा जी, वो गरीब आदमी की बात है, अपनी बस्ती में कैसे दाल की जाती है, ये कोई अख्तर सिरसी से पूछे। हम लोग भी जलालपुर में रहते हैं, मगर फिर वहां पे जब सुनते हैं तो पढ़ते नहीं है। लेकिन अख्तर सिरसी है जो आज सुन भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं। अब कैसे शेर कसम बाहर ऐसा गूंज रहा था कि जैसे बाहर की महफिलों में कसम खुदा की। और क्या अंदाज था आपका, मैं मुझे याद आ रहा है कि मस्जिदों का और रजा खानों का मंजर एक है, मस्जिदों का और रजा खानों का मंजर एक है, हजरत शब्बीर और अल्लाह का घर एक है। हजरत शब्बीर और अल्लाह का घर एक है, यही अख्तर सिरसी है जो शेर कहता है और पूरी दुनिया से दाद लेता है। अख्तर सिरसी ने अपने शेर पे दाद ली है, नाज़िम अख्तर सिरसी के शेर पे कैसे दाद लेता है, जब मैं आपको सुनाता हूं कि खाजमा और मालिकन में फर्क मत ढूंढो यहां, खाजमा और मालिकन में फर्क मत ढूंढो यहां, फातिमा सहरा की और फिज़ा की चादर है। दुनिया की नदियां सूख जाएंगी मगर अकीदे की नदी, दुनिया की नदियां पहाड़ से निकलती है, हमारी तहजीब की नदी तालाब से निकली है, गदीर खून से निकली है। और ये मैं आपको मुरादाबाद और संभल इसलिए जोड़ रहा था कि ये खाली नहीं, नहीं। देखिए संभल को संभल सिरसी ने बनाया है, हजरत दाव जार रामी
یہ سلسلہ جب چلا ہے تو حضرت موجی سمبلی تک پہنچا, مگر حضرت موجی سمبلی کے استاد فرسی سے تھے. یہ جو فرسی کی سرزمین ہے, اس کی آئے پوری وراثت ہے, شاندار روایت ہے, اور پوری دنیا میں چلے جائیے آپ کو فرسی کے لوگ ملتے ہیں اور اسی شان سے ملتے ہیں. مگر یہ جو میں نے مراد آباد اور سنبھل کہا, وہ یوں ہی نہیں کہا, مجھے کچھ کہنے کا بہانہ چاہیے تھا. دونوں طرف دیکھے دو دو ڈگری کالج ہیں, اور ان دونوں ڈگری کالجوں سے سرسی کا تعلق رہا ہے. حالانکہ سرسی کے پاس بھی سمپن بستی اپنے ڈگری کالج ہیں, مگر ادھر آپ سنبھل کی طرف بھی جاتے ہیں اور ادھر مراد آباد کی طرف جاتے ہیں. لیکن سنبھل میں ایک ایسا جس کو کہتے ہیں, دیکھیے موہنجو دڑو ہو یا ہڑپا ہو یا مصر ہو یا روم ہو یا یونان ہو, جب تک کہ کوئی رکھوالا پالنہار کوئی مالی نہیں ہوتا, تب تک چمن کے پھول مرجھا جاتے ہیں, پھول نہیں پاتے ہیں. تو وہ جو مہاتما گاندھی میموریل ڈگری کالج ہے, اس کا جو رکھوالا اور مالک ہے وہ جناب پروفیسر عادل حسین لیڈری صاحب ہیں, جو آج کی صدارت فرما رہے ہیں. بابا بلند نعرہ سروا سے آپ میرے ساتھ جس انداز سے پڑھاتے ہیں, جس انداز سے اپنے کالج کا نظام سنبھالتے ہیں, انہوں نے جو جو کتابیں لکھی ہیں شخصی مسئلے کے حوالے سے, اور جو مضامین مومن کے آپ یہ دیکھو نذیر اکبر آبادی مسئلے کے جعفریہ سے تعلق رکھتے تھے, اس پہ سب سے پہلے مضمون اگر کسی نے لکھا تو جناب ڈاکٹر عادل حسین قادری صاحب نے لکھا. وہ تمام مولائی جو وہ تمام میر تقی میر کے یہاں جو اثناشری خیالات تھے, ان کی غزل میں نمائندگی کیسے ہوئی, اس پہ اگر مضمون لکھا تو ڈاکٹر عادل حسین قادری صاحب نے لکھا. آج ان کے جو کتابیں ہیں, آج ان کے جو مضامین ہیں, وہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے, اور خدا کا شکر ہے کہ آپ کی بستی ہمیشہ ایسے لوگوں کو, یوں کہہ لیجیے کہ صاحب کہ ہم لوگ غریب الوطنوں کو جو ہے وہ سرسی نواز کی ہو گئی ہیں, اور آپ بھی ساتھ ہی ہیں. مگر میرے بھی سات آٹھ برس ایسے گزرے کہ ہر ہفتے میں ایک بار میں آ جاتا تھا. وہی محبت جناب عادل حسین حیدری صاحب کی ہے, انہوں نے صدارت قبول فرمائی, گلشن بھائی ان کو لے کے آئے, میں بھول نہیں کروں گا. آپ یہ دیکھیے ان دونوں کا بے پناہ شکریہ. اب آپ لوگ کتنی دیر تک بٹھائے رہ سکتے ہیں, گاڑی لائے ان کو چالنے رکھ لیجیے, اونٹ لائے ان کو پیداوار رکھ لیجیے, اور آپ دیکھیں اور کل ان شاء اللہ آپ لوگ پہنچیں گے وہاں پہ سنبھل میں. تو ایک بار ان دونوں کے لیے بلند آواز میں نعرہ سلام. اگر مولا کو مولا کو ہوتا شیر پیش کر رہا ہوں, اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا. شیر سن لیجیے, ایک شعر پڑھنے کے لیے اوپر کے متلے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اوپر سے سجاتا بجاتا ہوں اسے, ٹھیک ہے, یہ مجھے تمہید بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں شعر سنتے ہیں وزیر جی نے, ایک شعر میں نے پڑھا بھی محمد رفا, کیسا سنا آپ نے اثر سرسوی کا, کہیں مقامی کا بھی فرق نہیں ہے. اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. مولانا یوشا فیضی وہ بھی بنگلور میں رہے, ان کا میں ایک شعر پیش کرتا ہوں. مردہ اسلام تھا زینب نے کیا ہے زندہ, مردہ اسلام تھا زینب نے کیا ہے زندہ, اس کو کہتے ہیں حسینی کے خدا کی بیٹی. اس کو کہتے ہیں حسینی کے خدا کی بیٹی. یہ میں وہاں سے لے کے بی بی زینب تک اس لیے آیا سلسلہ کہ جب شہزادی زینب کی بات ہو تو سجاد کے بغیر شہزادی کا نام نہیں آتا. آپ یقین رکھیے, یقین جانیے, اگر کربلا نہ ہوتی تو کبھی زندہ نہ بچتا, اور اگر زینب اور سجاد نہ ہوتے تو کربلا زندہ نہ بچتا. حبیب کو بچایا اسے کربلا کہتے ہیں, جس نے کربلا کو بچایا اسے زینب کہتے ہیں.
यकीन जानिए 72 लोग जब एक साथ मार दिए जाएं, शहीद कर दिए जाएं, तो यजीद तो सोचेगा कि अब मैं जैसा चाहूंगा वैसा इस्लाम चलेगा, मगर अकेले मौला सज्जाद है। और मौला सज्जाद की विलादत के 1400 साल जश्न आपने मनाया। इस वक्त हमारे पास हल्लौर की सरजमीन का एक शायर इस वक्त है और दूसरा आ रहा है, लेकिन पहले आप किसी बस्ती के पूजों से आप कम से कम मुलाकात कीजिए। बड़ी वाली जो टैंक है वहां तक बात हो पहुंचेगा। मालूम है इसने कैसे ऐसे शशि के साथ था। मैं शेर बाबू आज याद आ रहा हूँ, रस मल्लौरी का पढ़ते हैं, रस मल्लौरी समर अल्लौरी, आज एक एक शेर पढ़ेंगे, एक एक शेर ज्यादा नहीं है, मगर ये सब बस्ती है। सिरसी असल में सिरसी की बिरयानी में और बम्बई की बिरयानी में बड़ा फर्क है। अभी बॉम्बे की बिरयानी में मसाला जहाँ है वही है। बॉम्बे की बिरयानी हैदराबाद में भी वही, हैदराबाद में तो ये है कि मसाला और चावल के बीच में आलू का भी एक ये बड़ी और वो तीसरी और चीज आ गई, और उसके बाद में फिर वहाँ रास्ते के बजाय बैगन आ, ये बड़ी मुसीबत है। मगर सिरसी की जो बात है, सिरसी के हर चावल में मसाला अंदर तक तैयारी होता है। कुछ कह गया ताला ताला दफ्तर खान से यहाँ तक आया हूँ और ये वजीर का मामला है, देखिए तवरुण है ताकि खाई पी हुई निजामत मजा आए। अच्छा अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये सिरसी है। यहाँ मेरे कहने का मकसद ये है कि जब शुरू में मुझे बॉम्बे में, अब तो बॉम्बे में वो लोग नहीं है, जब आपको अभी बुलाऊंगा तब इंशाल्लाह बॉम्बे की याद होगी। आप पूछे पुलिस भाई साहब बॉम्बे में कहाँ वो मजा आता है, आप देखिए तो वहाँ जो सामयिक थे जब वो खिलाते थे तो कहते थे कि हमने आज यूपी वाली बिरयानी बनवाई है, तो वो नवाब भाई थे वो कहते थे एक चावल, हम कहते थे साहब भूख लगी हुई है और आप चम्मच के बजाय और नवाले के बजाय एक एक क्यों लेते हैं, का एक एक में यहाँ पे जायका मिलता हुआ नजर आता। कहने का मकसद ये है कि सिरसी की शायरी में हर शेर में आपको चीज मिलेगी, मजमून मिलेगा, वरना बाकी में 15 शेरों में एक शेर काम का है, 14 शेर तमीज के होते हैं, एक शेर काम का नायाब पंजाबी की पसंद। मैं आपको एक शेर खाली सुनाता हूँ, जनाब रज़म अलौरी का न जाने किस खड़ी अजरे रिसालत का सवाल उठे। अभी मैं हल्लौर के शायरों का जो हल्लौर में ही रहे उनका पढ़ रहा हूँ, जो बम्बई में गए उनका बाद में पढ़ूंगा। न जाने किस खड़ी शेर सुनिए याद रखेगा इंशाल्लाह, और सिरसी के लोग शेर को महफूज रखते हैं। न जाने किस खड़ी अजरे रिसालत का सवाल उठे, मदीना रस भी जाएगा लेकिन करबला होगा। लेकिन सज्जाद हल्लौरी में, सज्जाद हल्लौरी का मामला ये है कि ये मतलब आधा घंटे के बाद तो उनका गला गर्म होता है और उसको जिस तरीके से ये हिफाजत करते हैं शेरों की गले की, देखिए एक बात बताऊं, खूने जिगर लगा के लिखने वाले शायर तो बहुत मिलेंगे मगर खूने जिगर के साथ पढ़ने वाले शोरा बहुत कम। आप ये देखिए ये सिरसी है, यहाँ की बातें मैं अपने खास लहजे में कहता हूँ जो यहीं का लहजा है, अब आपके लोगों ने सिखाया है तो आप मुख्तार दुराने आया हूँ। पिता में छोटा था और वही कदर सजा तुझसे भी बहुत छोटा था, मैं आया था यानी जब तुम छोटे थे उससे। तो ये सिरसी है, तो मैं थोड़ा सा गुफ्तगू जरूर कर रहा हूँ आपको, मगर इतना तो भाई आपने पाला पोसा है उतना सुनना तो पड़ेगा भाई आप, है ना। तो अब मैं जो अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने ये कि ऐसा शायद सुबह चारबाग स्टेशन पे इनकी मोहब्बत देखे, ये हमको चचा करते हैं, उन लोगों को अगर वहां पर पहुंच गई है तो ये दो पानी की बोतल लेके आए, एक बिल्कुल ठंडा एक बिल्कुल गर्म। मैंने कहा अच्छा एक अरब का एक तरन्नुम का, तो इन्होंने जो है वो गर्म वाला पानी पिया। तो गले की हिफाजत आप इनकी आवाज देखिए, जिस वक्त उन्होंने पढ़ना
ढकना शुरू किया जो इनकी धुने हैं, और आज भी जो इनके पास बिल्कुल एक मनखबर तो उन्होंने आज चार बार रेलवे स्टेशन में शुरू की है, और अभी सिर्फ एक मोगरा और एक अंतरा वो आप सुनेंगे, और उसके बाद में जब वो पूरी उतना पढ़ देना बाबूलाल, आज पढ़ देना, समझ लेना। और आप ये देखिए हम लोगों के यहाँ पूर्विया में पूर्वांचल के लिटरेचर पर पूरा प्रोजेक्ट है आबिद हुसैन हैदरी साहब का, तो वहाँ के जो लहजे हैं हमारी शायरी में, जैसे सिरसी में जो मनखबत का अपना एक लहजा बनता है, पूर्वांचल की मनखबत का एक लहजा है, उसमें कहीं ना कहीं कजरी है, सवैया है, आला है, उदल है, दोहा है, दहा है, उनसे मिल के जो वो कंपोजिशन बनती है और लहजा बनता है वो आपको पूर्वांचल के शायरों में मिलेगा। ये बातें भी मैं यहाँ कहा, क्लासरूम की बात नहीं, जो बारीकी से एक एक लफ्ज कैसे बनता है वहां पे वो आप इंशाल्लाह यहाँ सुनेंगे। तो आप इनके यहाँ जो इनकी कंपोज क्या था, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, तो जब ये पढ़ते थे आज तक साहब पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू में लोग पढ़ते हैं वहाँ सरकार बंदोली उस मनोरथ को पढ़ा जाता है। सरकार बंदोली हमारे पास आए हैं और बहुत दिनों के बाद सरसी में आए हैं, इंशाल्लाह आप देर तक इनको सुनेंगे, मगर थोड़ा सा अपने जो पश्चिमी लहजा है उससे हम इसका कॉल करें। एक मुसद्दस के दो बंद मैं अल्लामा नसीम अमरोही का पढ़ता हूँ ताकि ये चले पता चले कि साहब सरसी के साथ मुरादाबाद का भी जिक्र हुआ, संभल का भी जिक्र हुआ, रामपुर सराफा, लेकिन थोड़ा सा उधर मोहे का भी जिक्र हो जाए ताकि वो पूरा बैलेंस हो जाए पसीना। अगर नाबिदे बीमार से जरी होते, अगर नाबिदे बीमार से जरी होते तो फिर ना वाकते इल्मे पैगंबरी होते। अब ये बीमार वो अली है जिनका झूला अली इब्ने अबी तालिब ने झुलाया है, 28 साल के मौला सज्जाद को मौला कायनात ने अपनी आगोश में खिलाया है। अब मैं पेश कर रहा हूँ, अगर न आबिदे बीमार से जरी होते तो फिर न वाकफे इल्म में पैगंबरी होते, न शरे जाफर सादिक न जाफरी होते, न शरे इल्म न हैदर न हैदरी होते, खुदा के दीन की तस्वीर हो गया जाके किताब पाक भी इंजील हो गया। गुजरात की मैंने तकरीर नहीं की है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब सज्जाद से।